है जाफरिया के स्टेज से मिंबर के पर पूरी दुनिया में ये पैगाम है। बज़ाहिर दुनिया के लिए तो एक खुतबा है नबी भी सरकार ने दरबार शाम में दिया है, लेकिन इस खुतबे से हर मातमी के दिल की आवाज़ है जो हम जिन्होंने हमारे जिन से आशूरा पर इतना जुल्म ढाया उनके लिए भी एक पैगाम दे रहा हूँ। पूरी दुनिया से एक पैगाम है शुहदा का जो बीबी जैनब की जबानी से असीर काफिला दरबार बेटी आज कौन बाने पा रहे हो, कौन गुस्सा हुआ। लेकिन बीबी जैनब सरकार ने कहा क्या पूरी आयत पढ़ो, पूरी आयत क्या है, वो तो इस जुमन पशा वो तो दिल मन पशा बे यदि कल खैर इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ से है, मगर खैर के हाथ से इज्जत और जिल्लत खैर के हाथ से। असीर काफिला दरबार शाम जब आया यदि ज़ैनब कुबरा से यूं हुआ गोया लो आज रात तो ये तो मंतशा का बुला के बावेदार हुआ कौन कौन है रुसवा ओ बद का नाम कहे ओ बद का नाम कहर बोली ज़ैनब कुबरा नशे में मस्त है आयत ये पूरी सबको सुना वो हाथ पैर का है कौन मुझको ये तो बता कि जिससे दिल न तो तौफीर बांटता है खुदा वो आज तू है कि हम वो आज तू है कि हम ऐले बैठे हैं उसके हम ही हैं इज्जत दिल्लत के बांटने वाले यदि कल खैर भी रब काबा की कसम यदि कल खैर भी हम अहले बैत कहते हैं बीबी जैनब कहती है यदि कल खैर खैर का हाथ भी हम रब काबा की कसम उन्हीं हाथों में रखें सारे दरबार सितम उन्हीं हाथों में रखें सारे दरबार सितम यदि कल खैर भी हम रब काबा मासूम को तो कोई नहीं रोक रहा बोलो पैगाम है तो नहीं सरकार ने खुतबे का आगाज किया है कहाँ से लायक़े हम्द है जिसने हमें इज्जत बख्शी सूरह रूम शहजादी ने आयत ये पढ़ी जो बुरे थे तो बुरा बुरे थे तो बुरा उनका ही अंजाम हुआ जिसने कुरान को झुठलाया वो नाकाम हुआ यदि कल खैर भी हम कल एक अकेली आवाज थी बीबी जैनब की उन्हीं हाथों में रखन अरे दरबार सितम क्या कहा तूने के हक से हमें रुसवाई मिली हम ये कहते हैं हमें इज्जत को सच्चाई मिली हमको कुरान मिला रब की शनाताई मिली मेरे प्यारों को सिना पर भी पदीराई मिली इसे मर जाना तेरे इसे मर जाना तेरे तलब करबला गई अब शाम के दरबार तलब यदि कल खैर भी हाँ
اے میرے بھائی کے قاتل حوث زر کے غلام، امتحان یہ بھی ہے کہ میں آن کروں تجھ سے کلام، یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے غم کی حسام، مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام، کر کے تدیق نبی تجھ کو مزہ آتا ہے انتقام